हेलो फ्रेंड्स, जावा स्विंग की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं और एक न्यू फाइल लेते हैं। और मैं इसमें सबसे पहले एक बेसिक क्लास स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट जावा एक्स स्विंग एस्ट्रिक इम्पोर्ट जावा awt.*, इम्पोर्ट जावा awt.event.*। चलिए एक क्लास बनाते हैं। क्लास माई फ्रेम बना लेता हूँ। माई फ्रेम एक्सटेंड करते हैं जे फ्रेम को। एक्सटेंड जे फ्रेम, तो मैंने माई फ्रेम बनाई जिसने जे फ्रेम को एक्सटेंड किया है। और इम्प्लीमेंट्स भी करना है, तो इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसी क्लास में। चलिए इसे पहले सेव करता हूँ। और मैं इसे सेव करूँगा सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर के नाम से इसे सेव करूँगा। सिंपल कैलसी, चलिए डॉट जावा। अब इसमें इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए लिखता हूँ माई फ्रेम चलिए सबसे पहले इसका टाइटल सेट करते हैं। तो सेट टाइटल सिंपल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर सेट साइज, साइज में इसका दूंगा 300 × 300 सेट लोकेशन, लोकेशन रिलेटिव, सेट लोकेशन रिलेटिव टू नल। देन सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, जे फ्रेम यहाँ हम लिख देंगे एग्जिट ऑन क्लोज। चलिए इसे रन करने के लिए मैं एक न्यू क्लास लेता हूँ। क्लास सिंपल कैलसी, और जिसके अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे। तो मेन मेथड बनाने के लिए मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और इस क्लास के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इस क्लास का। तो इसे रन करने के लिए मैं लिखता हूँ माई फ्रेम, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बना लेते हैं न्यू माई फ्रेम। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो मेन मेथड में रन होता है, और मेन मेथड में तो हमने कोई कोडिंग नहीं की है, तो कुछ रन भी नहीं होगा। इसलिए हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। तो सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। जावासी सिंपल कैलसी डॉट जावा। तो अभी आप देख सकते हैं माई फ्रेम इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड। अच्छा, हमने ओवरराइड नहीं किया है, उसे भी ओवरराइड कर देते हैं। पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, एक्शन इवेंट,
चलिए सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो अभी भी ये एरर दे रहा है, मेथड सेट लोकेशन रिलेटिव टू नल। चलिए मैं इस मेथड को रहने देता हूँ, इसकी जगह हम यूज़ करते हैं सेट लोकेशन। सेट लोकेशन 100 एंड 100, सेव करते हैं। कंपाइल करती कर हो गया, अब रन करते हैं। रन करने के लिए मैं लिखता हूँ सिंपल KLC। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, लेकिन कोई विंडो नज़र नहीं आई। वही सेम प्रॉब्लम, हमने सेट विजिबल मेथड को कॉल नहीं किया है। तो सेट विजिबल, इसकी विजिबिलिटी सेट कर देते हैं, सेट विजिबल ट्रू, सेव, कंपाइल, रन। तो अभी आप देख सकते हैं एक विंडो बनी आ गई है। अब मैं चाहता हूँ दो टेक्स्ट फील्ड, ताकि हम दो नंबर को इनपुट करवा सकें। तो हम लिखेंगे फर्स्ट नेम फर्स्ट नंबर एक टेक्स्ट फील्ड, एंड सेकंड नंबर एक टेक्स्ट फील्ड। तो चलिए करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ दो टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक कंटेनर क्लास का ऑब्जेक्ट लेता हूँ सी, देन मैं लेता हूँ, मुझे चाहिए, इसे प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट प्राइवेट मुझे चाहिए एक दो दो लेबल, तो दो लेबल ले ले लेते हैं। जे लेबल, लेबल 1, लेबल 2। देन मुझे चाहिए दो टेक्स्ट फील्ड भी, तो लेते हैं टेक्स्ट फील्ड T1, T2। चलिए इतना हमें चाहिए। अब इसे इनिशलाइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंटेनर क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करता हूँ। तो सी इज इक्वल टू गेट कंटेंट पेन, और इसके लेआउट को सेट कर देते हैं, सेट लेआउट नल पे सेट करते हैं। अब लेबल 1 लिखते हैं, लेबल 1 इज इक्वल टू न्यू जे लेबल। सबसे पहले पहले में होगा हमारा फर्स्ट नंबर, अब इसकी बाउंड सेट कर देते हैं, लेबल 1.set bounds। सेट बाउंड्स लेफ्ट से 10, टॉप से 50, देन टॉप से 20 कर देता हूँ। देन इसकी विड्थ होगी 100 एंड हाइट होगी 20। ऐड करते हैं सी ऐड और लेवल वन। चलिए सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा लेवल बना गया है, फर्स्ट नेम नंबर लिखा रहा है। इसके आगे हम मुझे चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड, तो उसे भी करते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ T1 = new J text field। इसको बाउंड सेट कर देते हैं, सेट इसकी लोकेशन और साइज सेट कर देते हैं सेट बाउंड मेथड से। मैं लिखता हूँ 120 लेफ्ट से और टॉप से 20, और इसका साइज़ होगा 100 एंड 20 इसकी हाइट होगी। तो इसे भी ऐड कर देते हैं,
कंटेनर में T1 ताकि ये शो हो जाए। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा पहला जो टेक्स्ट फील्ड है वो आ चुका है। तो इसी तरह से हम सेकंड नंबर के लिए भी करते हैं। तो इसके लिए मैं यहीं से इसे कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ और इसके नेम में चेंज कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं लेवल टू और इसकी इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं सेकंड नंबर। और इसका जो टॉप से हाइट है उसे बदल देते हैं। तो ये था 20 और 20 इसका साइज़ था, 20 इसकी हाइट थी, 20 ये टॉप से मार्जिन था। तो 20 20 मैं यहाँ 50 कर देता हूँ अब 50 और यहाँ भी 50 कर देता हूँ। इसे T2 कर देते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल, रन। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों टेक्स्ट फील आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न के लिए 4 बटन हों। तो उसके लिए 4 बटन बनाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं प्राइवेट जी बटन ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा डिवीज़न। चलिए अब इन्हें इनिशियलाइज़ करते हैं। इनिशियलाइज़ करने के लिए मैं लिखता हूँ इन्हें सबसे पहले ऐड डॉट सेट बाउंड्स। सेट बाउंड्स मेथड से हम इसे करेंगे। तो लेफ्ट से 10, टॉप से 50 और 70, मैं यहाँ 80 लिख देता हूँ 80 कॉमा। इसकी इसका साइज़ कितना होगा 80 ही लेते हैं, 80 की जगह मैं लेता हूँ 70 कॉमा। इसकी विड्थ वो हाइट क्या होगी 30 पिक्सल। अब इसे सॉरी हमने इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऐड इज इक्वल टू न्यू जे बटन ऐड, ऐड के लिए हम लिखते हैं यहाँ प्लस। अब इसे कंटेनर में ऐड कर देते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। आप देख सकते हैं एक बटन आ चुका है बट ये थोड़ा बड़ा आ रहा है। चलिए कोई नहीं, इसी तरह के सब मेथड को हम कर लेते हैं। तो अभी मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करते हैं। इसे मैं यहाँ से देता हूँ सब्ट्रैक्ट माइनस, अब इसे भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट सब। अब इसकी लोकेशन सेट कर देते हैं, लोकेशन को मैं यहाँ से देता हूँ 100, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं दो बटन आ चुके हैं। अब दो बटन मैं इसके नीचे चाहता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई का और यहाँ डिवीज़न का। चलिए उसे करते हैं, या मैं क्या कर सकता हूँ इनका इनकी जो विड्थ है वो कम कम कर देता हूँ। तो इसको लिखता हूँ 50
और इसका साइज़ है 10, 50, 60 हो गया, 60 है। अब यहाँ 70 करते हैं, 70 सेव करते हैं, कंपाइल रन, तो दो बटन आ चुके हैं और दो बटन मुझे यहाँ इधर चाहिए, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ, इन्हें कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, इसे लिखते हैं मल मल्टीप्लाई के लिए एंड यहाँ 70 70 70 एंड 50 120 120 के लिए हम 130 कर देते हैं यहाँ, एंड 130 प्लस 50 180 190 यहाँ कर देते हैं। चलिए इसे मैं डिव कर देता हूँ, डिव डिव, और इसे भी डिव कर देते हैं। चलिए सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं, सॉरी हमने इसका टेक्स्ट नहीं चेंज किया है, टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। तो टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ मल में, मैं लिखता हूँ एक्स, कैपिटल एक्स लिख देता हूँ, और डिवाइड के लिए मैं लिखता हूँ डिवाइड, वैसा वाला तो यहाँ होता नहीं, मैं सिंपल इसे ही कर देता हूँ, सेव कंपाइल रन। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे चारों बटन आ चुके हैं। अब मैं रिज़ल्ट शो कराने के लिए एक लेबल लेता हूँ जिसे हम इसके नीचे शो कराएंगे, चलिए उसे भी ले लेते हैं, उसका नेम मैं दे देता हूँ प्राइवेट जे लेबल, और इसका हम नेम देंगे रिज़ल्ट, इसे भी हम इनिशियलाइज करते हैं, रिज़ल्ट इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इसके अंदर हम कुछ नहीं दे रहे, कुछ पास नहीं कर रहे, इसे खाली रहने देंगे, या हम लिख सकते हैं इसमें रिज़ल्ट। इसकी बाउंड सेट कर देते हैं, सेट बाउंड्स, अब तक हमारा हो चुका है 80 तक हो चुका है, 80 और 30 110, तो 110 तक हो चुका है, तो हम यहाँ दे देता हूँ 120, तो यहाँ देते हैं लेफ्ट से 10 एंड टॉप से 120, और इसकी विड्थ, विड्थ में काफ़ी इसमें ज़्यादा दूँगा, तो विड्थ में देता हूँ यहाँ 150 एंड हाइट, हाइट में 20 देता हूँ, ऐड कर देते हैं कंटेनर में, सेव करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे चार सब पूरा कैलकुलेटर बन आ चुका है, तैयार हो चुका है, हमारा लेआउट तैयार हो चुका है। अब इसकी इवेंट हैंडलिंग करना चालू करेंगे, तो उस इवेंट हैंडलिंग के लिए मैं चाहता हूँ अभी मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ, फर्स्ट नंबर मैंने 3 टाइप किया, सेकंड में 4 टाइप किया, तो हमने प्लस पे क्लिक करते हैं तो कुछ हो नहीं रहा, तो उसके लिए हमें इवेंट हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए इन बटन में इस एक्शन लिसनर को बटन्स में ऐड कर देते हैं, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ ऐड ऐड डॉट ऐड एक्शन लिसनर, ऐड डॉट ऐड एक्शन लिसनर, यहाँ दिस पास कर देता हूँ, दिस कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं, इसे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट
मल एंड डिव। तो अब मैंने इसमें एक्शन लेसर को बाइंड कर दिया है। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो अभी भी आप देखेंगे तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक्शन परफॉर्म जो मेथड ओवरराइड किया है उसमें हमने कोई कोडिंग ही नहीं की। तो कोडिंग नहीं की तो ये होगा कैसे? तो यहाँ सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि किस बटन को क्लिक किया गया है। तो उसे हम कंडीशन चेक कर सकते हैं, इफ़ ई डॉट गेट सोर्स। ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू एड। अगर वो एड है, एड बटन है, तो हमें क्या करना है? तो हमें करना है एक दो वेरिएबल लेते हैं, इंट ए इज इक्वल टू टी वन डॉट गेट टेक्स्ट। लेकिन आपको पता है कि ये गेट टेक्स्ट मेथड एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा, लेकिन मुझे प्लस करने के लिए इंटीजर्स नंबर चाहिए। तो उसके लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर्स में। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ इंटीजर्स, इंटीजर डॉट पार्से इंट। तो ये स्ट्रिंग में से इंटीजर्स को कन्वर्ट करके इसे पास कर देगा। तो इसी तरह से हम एक और वेरिएबल लेते हैं, बी इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्से इंट टी टू डॉट गेट टेक्स्ट। एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं, इंट सी इज इक्वल टू, एंड इसमें इसे ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी। एंड अब इसे किस में हमें सेट करना है? इसमें हमें इसको हमें रिजल्ट में सेट कर देना है। तो हम इसमें लिखते हैं रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ मैं पास कर देता हूँ रिजल्ट प्लस सी। तो इसे सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ टू टाइप करता हूँ, यहाँ थ्री टाइप करता हूँ और ऐड पर क्लिक करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं, आप यहाँ रिज़ल्ट को शो होता देख सकते हैं, रिज़ल्ट आ गया 5। लेकिन बाकी बटन में अभी हमने कंडीशन चेक नहीं किया, इसलिए हम बाकी में भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड में हम चेक करेंगे सब्ट्रैक्ट के लिए। तो सब्ट्रैक्ट के लिए हम चेक करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ करता हूँ माइनस और बाकी सब सेम है। देन मुझे चेक करना है मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई के लिए मुझे यहाँ करना है मल्टीप्लाई, एंड देन मुझे करना है डिवीज़न के लिए। तो डिवीज़न के लिए मैं लिखता हूँ डिव एंड यहाँ डिवाइड। सेव करते हैं, कंपाइल, रन। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा कैलकुलेटर बन चुका है। अभी मैं इसमें टाइप करता हूँ 20 एंड डिवाइड करता हूँ, एंड सेकंड में 5 डिवाइड करता हूँ। तो अगर मैं प्लस करता हूँ तो 25 लिखा रहा है, क्योंकि 25 हो गए। माइनस करता हूँ तो 20 माइनस 5 15, मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 एंड डिवाइड करता हूँ तो 4। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेटर वर्क कर रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि मैं इसमें कोई वैल्यू पास कर देता हूँ एंड प्लस करता हूँ, तो देखिए एरर आ चुकी है, ये एक्सेप्शन आ जाती है। तो इसे हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो हैंडल करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ इस पूरे ब्लॉक को, ट्राई ट्राई इस पूरे ब्लॉक को, इस पूरे ब्लॉक को मैं ट्राई ब्लॉक में
ट्राई कैच ब्लॉक में डाल देता हूँ, ट्राई कैच। अब हमें यहाँ लिखते हैं कौन सी एक्सेप्शन थी, देख लेते हैं कौन सी एक्सेप्शन थी। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, तो इसे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ई। अब हम यहाँ लिखते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, उसे यूज़र को मैं शो करा देता हूँ। प्लीज़ इनपुट ओनली, इनपुट इंटीजर्स ओनली ओनली। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। ये क्या कह रहा, ओके हमने ई पहले से ही ले रखा, तो हम यहाँ ई वन लेंगे। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो अभी आप देखेंगे मैं यहाँ एफ़ टाइप करता हूँ और प्लस टाइप करता हूँ, तो कोई एरर नहीं आती है, कोई एक्सेप्शन नहीं आती है, बल्कि वो हमें एक मैसेज शो कर देता है, प्लीज़ इनपुट इंटीजर्स ओनली। तो इस तरह से हमने एक्सेप्शन हैंडल कर ली। बट आगे अभी भी आप देखेंगे कि मैं यहाँ 5 टाइप करता हूँ और मैं यहाँ 0 टाइप करता हूँ और डिवीज़न पर क्लिक करता हूँ, तो फिर से एक एक्सेप्शन आ चुकी है। ये कौन सी है देखते हैं, इसे भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। एरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0, तो इसे भी हैंडल करते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ चलिए सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो अभी हमारा ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ 5 भी टाइप करता हूँ, यहाँ 0 भी टाइप करता हूँ और डिवाइड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। तो अभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, 25 प्लस करते हैं तो 75, माइनस करते हैं तो 25, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1250 एंड डिवाइड करते हैं तो 2। अभी आप यहाँ कुछ भी टाइप करेंगे, डिवाइड करेंगे, वही एरर नहीं देता है, वो हमें मैसेज शो कर देता है। और यहाँ आप 0 भी टाइप करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो देखिए इस तरह से हमारा सिंपल कैलकुलेटर बन चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बस।